आज मैं बना रही हूँ डिनर में शाही पनीर। उसके लिए मैंने ये सारी सब्जियाँ, प्याज, टमाटर और साबुत मसाले, काजू और लहसुन अदरक सब कुछ इसमें डाल दिया। अब ये उबल रहा है और यहाँ पर मैंने चावल को बनने के लिए रख दिया है। देखिए चावल ही हमारा पक रहा है। मटर पुलाव मैं बना रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर चावल भी हमारा ये बन रहा है। और इसको जीरा राइस कर लेंगे और मटर मैंने पहले ही डाल दिया है। यहाँ पर पनीर को भी मैंने काट के रख लिया है और फटाफट से पनीर बनाते हैं। और ये मैंने कच्चा दूध लिया था, इसमें मैंने रेडीमेड मिक्स वाला जो शाही पनीर मसाला आता है वो मैंने इसमें डाला है और इसको बना के रख दिया है। और अभी जब मसाला सब ये उबल जाएगा फिर इसको पीस लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब तक प्याज टमाटर बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पर आटा गूंथ के रख लेते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी, तो यहाँ पर मैं मिस्सी रोटी के लिए आटा गूंथ रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है आटा गेहूँ का और साथ में लिया है बेसन। चाहे तो हम इसको 2 कटोरी आटा 1 कटोरी बेसन भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बराबर मात्रा में डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने डाला है सरसों का ऑयल, साथ में नमक और हल्दी थोड़ी, और साथ में मैंने डाला है यहाँ पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है रोटी का। चाहे तो इसमें बारीक प्याज करके भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके प्याज, और मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूंथ लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से हम गूंथ के रख देते हैं और फिर हम सब्जी की तैयारी करते हैं। तब तक मसाला उबल रहा है, फिर उसको पीसेंगे। और इसकी फुल रेसिपी मैंने अलग से अपलोड की है अपने चैनल पर, अगर आपको देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और आपको समझ ना आए कि आपको क्या बनाना है, तो इस तरह से आप झटपट पनीर बना सकते हैं। बस आपको अपने घर में रेडीमेड मिक्स मसाला जो पनीर का होता है बस वो रखना होगा, और वो भी महंगा नहीं आता है, बहुत ही सस्ता आता है। तो उसको आप रख सकते हैं और जब चाहे तब पनीर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला उबल गया था, प्याज टमाटर, उसको मैंने ठंडा करके यहाँ पर एक जार मिक्सी जार में डालकर उसको हम पीस लेंगे और सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पनीर की सब्जी बनाने से हमारी जो सब्जी है वो बहुत ही क्रीमी बनती है और ग्रेवी उसकी एकदम अलग होती है, क्योंकि मैंने इसमें काजू भी डाला था और काजू से जो सब्जी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनके तैयार हो गया है। दिखाते हैं आपको कितना फाइन पेस्ट बना है ये देखिए, है ना। तो चलिए फटाफट से सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दूध को भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अभी रात का टाइम हो गया है, तो मतलब इवनिंग का टाइम है, तो आज दूध लेट आया था तो अभी मैं दूध को गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए चावल भी बन गए थे, चावल बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसको सिर्फ 80% पकाया था, बाकी ये ऐसी भाप में ही पक गया। मटर भी मैंने साथ में डाल दी थी, बाद में इसको हम जीरा राइस कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने अभी के टिफ़िन को धुल के रखा था, तो उसको हम सूख गया है, अब इनको हटा देंगे। सुबह स्कूल देना होगा तो सुखा के रखते हैं कि सुबह मेरे लिए काम बढ़े ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों टिफ़िन अभी के हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी और देखिए मसाला तेल में मसाला डाला था और मसाले को अच्छे से भून कर और फिर हमारी ये मटर शाही पनीर बन के हो गई है तैयार। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल रेसिपी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर शाही पनीर बन के हो गया है तैयार। ऊपर से मैंने क्रीम भी डाल दी है और अब फटाफट से हम बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि रात हो रही है और सभी को भूख भी लग रही है, तो फटाफट से हम रोटियाँ बना लेते हैं। Thank you.
देखिए मैंने रोटी भी बना ली है। रोटी को मैंने ओवल शेप में बेला है और बस धीमी आंच पर इसको सेक लेंगे। और मिसी रोटी जो होती है वो धीमी आंच पर ही सेकी जाती है, तभी अच्छी लगती है। वैसे मैंने सोचा था तंदूर में बनाएंगे, लेकिन आलस आ गया तंदूर में बनाने के लिए, क्योंकि फिर ज़मीन पर बैठना पड़ता, क्योंकि स्विच जो है हमारा वो नीचे ही लगा हुआ है, तो फिर नीचे ही बैठ के बनाना पड़ता मुझे, तो फिर मुझे आलस आ गया। मैंने इनसे बोला कि मैं धीमी आंच पर ही सेक दूँगी, ये बोले नहीं तंदूर निकाल लेना, तंदूर में बनाना। मैंने कहा नहीं, अपन गैस पर ही बना देते हैं। तो ये हमारी रोटी बनके हो गए है तैयार, फटाफट से खाना लगा देते हैं, इनको दे देते हैं, अभी को दे देते हैं, और फिर बाद में मैं भी खा लेती हूँ, और फिर किचन को साफ़ करेंगे। और बस ऐसा ही रहता है हमारा इवनिंग रूटीन डेली, हम हाउसवाइफ का, मेरा का, हर किसी हाउसवाइफ का ऐसा ही रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने राइस को निकाल लिया है प्लेट में, और सब्जी को निकाल लेते हैं, सलाद भी मैंने बना लिया था। और इस रोटी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको हम धीमी आंच पर सेकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी तो बोल रहा था कि मम्मा बटर नान बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक ही चीज़ बनाएंगे, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो मैंने कहा एक ही चीज़ बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे। चलिए फटाफट से खाना इनको दे के आते हैं, उसके बाद मैं खा लूँगी, उसके बाद किचन को साफ करते हैं। खाना पीना होने के बाद मैंने यहाँ पर किचन भी साफ़ कर ली है, बस लगे हैं सारे काम कर लेते हैं तो हो जाता है, और ज़रा सा अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे बहुत आलस आता है, फिर मुझे मेरा कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता है, फिर मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से सारे काम कर लेते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद मैं तुरंत लग जाती हूँ किचन में, और फिर मैं फ्री होकर ही किचन से निकलती हूँ, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस को साफ़ कर लिया, प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर लिया है, और बस अभी अपना फेस को वॉश करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बस अभी फेस को वॉश करेंगे। और अभी मेरा इंतज़ार कर रहा है मम्मा कब आए, और मैं सो बिना मेरे नहीं सोता है, तो वो इंतज़ार कर रहा है मम्मा जल्दी आओ मुझे सोना है, मम्मा जल्दी आओ सोना है। मैंने कहा बस बेटा आते हैं। और यहाँ पर चका वेलन है, उसको भी धुल के रखना पड़ता है, क्योंकि अभी सुबह स्कूल जाता है, तो फिर मुझे सुबह धुलना पड़ेगा, और काम वाली इतनी जल्दी आती नहीं है, तो मैं धुल के रख देती हूँ, बाकी का बर्तन बाद में ही सब धुला जाएगा। तो अभी यहाँ पर पहले
मैं जो मेन मेन बर्तन है वो मैं धुल के हटा देती हूँ, और इसको पहले कर लेते हैं। बहुत सारा काम हो जाता है किचन जब साफ करते हैं, किचन में खाना बनाओ बहुत सामान फैल जाता है, तो बस ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पर जो मेन मेन बर्तन है चका बेलन, उसको हम धुल देते हैं। और टिफ़िन बनाना होगा सुबह, इनको भी जाना होगा, तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं ये भी, तो ये सब करके रख देते हैं। तो सुबह आसानी जितना होता है ना, रात में मैं काम करके डाल देती हूँ, तो सुबह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। सुबह मुझे बड़बड़ नहीं रहती है फिर ज़्यादा, और मैं जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। तो इसी तरह से मैं रात में ही किचन साफ़ कर देती हूँ, सामान जो फैल जाता है सारा समेट देती हूँ, मेन मेन बर्तन भी धुल देती हूँ कि सुबह मुझे ना करना पड़े, और रात में कर लो वो ठीक भी रहता है। तो पसीना देखिए कितना सारा पसीना आ गया मुझे। अभी गर्मियों में ना यही होता है, किचन में बस चले जाओ और पसीने से पूरा तरवतर हो जाते हैं। कितना ज्यादा पसीना है देखिए, पूरा फेस पसीने पसीना। तो सबसे पहले तो अपना फेस हम वॉश करते हैं। पानी डालो फेस पर, इतना अच्छा लगता है। और देखिए अभी यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं, इनसे मोबाइल लाए, ये अपना मैच देख रहे थे तो इनका मोबाइल उठा लिया आया, और क्योंकि ये अभी मम्मी का इंतज़ार कर रहा है सोने के लिए, तो मैं इसे बोल रही हूँ कि अब मोबाइल रख दो, बहुत देर से देख रहे हो। तो मैंने फेस पोंछ लिया है अच्छे से, और फेस पर मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। इसी तरह से हमारा स्किन केयर रूटीन भी रहता है इवनिंग का। तो अभी हम चलते हैं किचन में दूध बनाने के लिए। और दूध मैंने इन लोगों को दे दिया था, अभी को दे दिया, इनको दे दिया था, दूध दे दिया। और इस गाउन में ना मैं बहुत ही मोटी लग रही हूँ, मेरा पेट बहुत लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। देखिए कितना सारा पेट लग रहा है, जैसे प्रेग्नेंट हूँ मैं, ऐसे पेट लग रहा है मेरा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से हम दूध बनाते हैं, अपना दूध पियेंगे, और बस हो गया हमारा नाइट रूटीन, ऐसे ही रहता है डेली का हमारा।